दोस्तों आपने वो शाहरुख खान का डायलॉग तो सुना ही होगा कि अगर आप किसी चीज़ को पूरे शिद्दत के साथ चाहते हो तो पूरी कायनात उसे आपसे मिलाने की साजिश में लग जाती है। ये दोस्तों बिल्कुल सही बात है और मैंने पिछले 2-3 साल के एक्सपीरियंस में बहुत बार ये मैंने महसूस किया कि बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल ये फैक्ट है। हर बार कुछ ना कुछ मेरे साथ ऐसी घटना होती है कि मुझे लगता है कि ये जिसने भी लिखा होगा ना ये डायलॉग, मतलब उसको मैं सलाम करता हूँ वो चीज़ एक्सपीरियंस करने के बाद। तो वैसा ही कुछ है मेरे साथ हुआ है। आपको पता है कि पूरे देश में लॉकडाउन है, हमारे मूवमेंट को रेगुलेट किया जा रहा है, हमें प्रोहिबिट किया जा रहा है कहीं बाहर किसी से मिलने के लिए, किसी कहीं बाहर जाने के लिए, कहीं घूमने के लिए, इस चीज़ से हमें मना किया जा रहा है और मैं भी कम्प्लीटली इसका फॉलो कर रहा हूँ। लेकिन बींग अ स्टूडेंट, और ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, जितने भी स्टूडेंट भाई मुझे देख रहे हैं वो इस वीडियो से ज़रूर रिलेट कर पाएंगे, और अगर लॉकडाउन से उनके पढ़ाई में कुछ दिक्कत आ रही है, उन्हें परेशानी हो रही है पढ़ाई करने में, तो शायद इस वीडियो को देखने के बाद वो शायद मोटिवेट हो जाए। तो दोस्तों क्या है कि लॉकडाउन का फॉलो मैं भी कर रहा हूँ, और आपको ऐसे ही पता है कि मैं रहता हूँ घर पर, मैं लगभग 6-7 महीने पहले मैं घर पर आ गया था और घर पर ही मुझे पढ़ना था। तो मैंने क्या किया था कि ऑब्वियसली घर पर पढ़ने में उस एक वीडियो मैंने बनाई थी, उसका लिंक मैं नीचे दे दूँगा, वो देख लेना तो आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा कि घर में क्या होता है। घर में नहीं पढ़ पाते हो आप, मतलब माहौल नहीं मिल पाता सबके यहाँ, वो माहौल पॉसिबल नहीं होता है। बात सिर्फ लोगों की नहीं होती है, बात होती है कि आप अगर आप घर में हो तो आपको काफ़ी सारे काम वगैरह करने पड़ते हैं, दूसरों के इंटरेस्ट का ख्याल रखना पड़ता है, तो उतना आप फोकस अपने पढ़ाई पर नहीं कर पाते हो। ऑब्वियसली बात, इसलिए हम लोग मूव आउट करते हैं। बहुत लोग कहते हैं कि जब कोचिंग नहीं कर रहे हो तो बाहर क्यों रह रहे हो, घर पर आके रहो। लेकिन कोचिंग के अलावा भी काफ़ी कुछ चीज़ें हमें चाहिए होती हैं अपने पढ़ाई को अच्छे वे में फ्लो करने के लिए, जिसकी वजह से हम लोग बाहर रहते हैं। लेकिन घर में ये चीज़ नहीं हो पाती है, लेकिन फिर भी मैं घर आ गया और घर में भी मुझे वो सब चीज़ें मिले। इसके लिए मैंने क्या किया था कि मैंने एक रूम ले लिया था पास में, मतलब यहाँ से 1 किलोमीटर दूर पे वो रूम होगा, तो वहीं जाके मैं दिन भर रहता था, वहीं पढ़ाई वगैरह करता था, और फिर रात में अपना रात बीच में वहाँ रहता था लंच वगैरह करने। और फिर अब घर में जितने भी लोग हैं उनसे आप कितना बात कर पाओगे, मतलब एक लिमिट तक ही आप बात कर पाते हो, मतलब पीयर से ही आप ज़्यादा बात करते हो, घर वालों से बात करने की एक लिमिटेशन होती है, बहुत ज़्यादा बात आप नहीं कर सकते हो, ज़्यादा टाइम स्पेंड करना आप चाहते हो बट कोई प्रोडक्टिव टाइम नहीं होता है वो। तो ये सोच के मैंने रूम लिया और वहीं मैं पढ़ाई करता था, डिटेल उस वीडियो में है, वो देख लेना आप। अभी क्या है कि अभी जब लॉकडाउन है तो घर से निकलना बिल्कुल बंद है, और मैं बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहा हूँ। मैं क्या करता हूँ कि एक तो जैसे सबसे पहला रूल है कि जो भी बाहर से बंदा कोई आ रहा है उसको घर एंटर करते ही सबसे पहले उसको हाथ पैर धोना है अच्छे से। लेकिन मैंने क्या किया है कि घर के बाहर भी मैंने पानी की फैसिलिटी मैंने कर दी है, जिससे कि कोई बाहर भी है तो पहले आप बाहर ही धो लीजिए, उसके बाद फिर आप अंदर आके बाहर और धो लीजिए। तो मैं बहुत ज़्यादा इसको स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहा हूँ, और जब मैं खुद फॉलो कर रहा हूँ तो मैं ही अगर बाहर जाने लूँगा पढ़ने के लिए 1 किलोमीटर दूर ही सही, लेकिन बाहर तो निकाल रहा हूँ मैं, तो आपको ये लगता होगा कि 1 किलोमीटर जाने में क्या है, इतनी दूर में क्या हो जाएगा, अगर मैं किसी से बात ना करूँ ना मिलूँ उससे क्या हो जाएगा। कुछ भी हो सकता है जो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, इन्फेक्शन आपको कैसे हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, वो आप प्रिडिक्ट कर ही नहीं सकते हो बिल्कुल, अच्छे से डॉक्टर नहीं कर पाते हैं तो आप क्यों कर पा कहाँ से कर पाओगे। तो सबसे जो एकमात्र काम हम कर सकते हैं वो ये कि हम लोग बाहर निकलना बंद कर सकते हैं। तो बाहर निकलना मैंने बंद किया, तो रूम पे जाना बंद, रूम पे जाने का बंद का मतलब पढ़ाई मेरी बंद हो गई, नहीं पढ़ाई मेरी बंद नहीं हुई। शुरू में 1-2 दिन तो मेरा बहुत पढ़ाई डिस्टर्ब हुआ, प्लस मेरे घर में बहुत सारे मेंबर्स मेरे आए हुए हैं, प्लस घर में एक बच्चा भी है मतलब 5-6 महीने का, तो मतलब एक छोटा सा बच्चा है वो तो एक अलग ही फीलिंग होती है घर में, ऊपर से 10-12 लोग हैं घर में, तो पढ़ाई का की गुंजाइश तो घर में होती ही नहीं है। तो मैंने कितना अच्छा जुगाड़ मैंने बिठाया, इतना मतलब होता है ना कि मुझे बिल्कुल पढ़ना था, और मेरा भी क्या रुचि है कि मैं किसी एग्ज़ाम को फोकस नहीं कर रहा हूँ, मेरा नेचर हो गया है कि मैं मुझे पढ़ना है 10-12 घंटे मुझे पढ़ना है, बिना पढ़े मेरा वो डाइजेशन सिस्टम ही मेरा काम नहीं करता है, वो मेरा एक पार्ट ऑफ रूटीन हो चुका है अब। तो क्योंकि इतना डेस्परेटली मैं चाह रहा था पढ़ाई करना, तो मैंने कुछ जुगाड़ निकाला जो कि मैं आपको बताता हूँ, और बहुत मज़ा आएगा सुन के, और शायद अगर आप भी अपने घर पर हो या कहीं भी लॉकडाउन हो अगर आप, तो इस चीज़ को फॉलो करना शायद आपको हेल्प मिले। मैंने क्या किया, देखिए ऑब्वियसली घर में तो पढ़ाई नहीं होगी, देखा अगर जहाँ 10-12 लोग आपसे बात करने के लिए हैं, नीचे मस्ती करने के लिए हैं, हमसे हंसी मजाक कर सकते हैं आप, तो वहाँ पे फोकस्ड होकर पढ़ाई करना इज़ नॉट वेरी पॉसिबल। मैंने क्या किया, मैंने 3 टाइम स्लॉट मैंने बनाए। सबसे पहले मैंने क्या किया कि मुझे अर्ली टू बेड होना है, सोना भी जल्दी है और उठना भी जल्दी है। तो मैं क्या करता हूँ, 11 बजे सो जाता हूँ और उठता हूँ मैं लगभग 4:30 या मैक्सिमम 5, उससे ज़्यादा नहीं करता हूँ, 5 तक मैक्सिमम उठ जाता हूँ मैं। 5 बजे उठ के मैं जल्दी से फ्रेश होके मैं क्या करता हूँ, 5 से जिस हिसाब से मैं उठा तो 8 या 8:30, 4 घंटे का टाइम मैं क्या करता हूँ, मैं चले जाता हूँ छत पे, क्योंकि उस गर्मी का दिन ऑलमोस्ट एंटर कर रहा है तो आसमान में लाइट आ जाता है 4:30 बजे तक। तो उस समय 3-4 घंटे मैं सुबह में छत पे आके क्या करता हूँ, मैं वैसी चीज़ें पढ़ता हूँ जो कि मुझे
मेमोराइज टाइप से मुझे करनी है, मतलब कि मुझे उसे अपने दिमाग में बैठाना है, वैसी चीज़ मैं पढ़ लेता हूँ सुबह के टाइम में, 3-4 घंटे के टाइम में। अब क्या है, जब वो मैंने टाइम मैंने अपना स्पेंड कर लिया, अब धूप भी कड़ी हो जाती है क्योंकि गर्मी आ रहा है, धूप कड़ी है तो आप छत पर ज़्यादा देर तक आप सर्वाइव नहीं कर पाते हो। फिर मैं नीचे गया, अब बाकी का पूरा दिन मैं क्या करता हूँ, किताब लेके कहीं मैं बैठा हुआ हूँ, अगर बेडरूम वगैरह में बहुत फैमिली मेम्बर्स हैं वहाँ पे, बट बेडरूम वगैरह में लोग बैठे हुए हैं, तो मैं अपनी नोटबुक और बुक लेके बैठा हुआ हूँ या कुछ ऑनलाइन नोट्स कुछ लेके बैठा हुआ हूँ, तो मुझे जो क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करने होते हैं मैथ्स के या फिर कुछ ऐसे ऐसे क्वेश्चन, मुझे जो रैंडमली रैंडम क्वेश्चन जो प्रैक्टिस के लिए जो हम लोग करते हैं, वो सब मैं वहाँ करते रहता हूँ। क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, वहाँ आपको बहुत ज़्यादा फोकस की ज़रूरत नहीं होती है, वहाँ वो चीज़ आप मैनेज कर सकते हो, बहुत ज़्यादा फोकस नहीं चाहिए होता है आपको, बस अपने आप में बैठ के वो पढ़ाई करते रहनी होती है। तो वो मैं बात करते करते, मेरा वो हो चुका है कि बात करते करते भी मैं अब काफ़ी कुछ कर लेता हूँ। हालांकि अकेले अगर मैं करता तो शायद मैं 1 घंटे में 100 क्वेश्चन कर पाता, बात करते रहते हैं तो 50-60 क्वेश्चन हो पाते हैं, वो अलग बात है। लेकिन बाकी का दिन जो है वो, मतलब वो जो दिन है पूरे दिन का टाइम, वो मैं उसी चीज़ को देता हूँ। और फिर टाइम आती है शाम का, शाम का वक्त होता है 7 से लेके 10:30 या मैक्सिमम 11, ये टाइम वापस मैं आता हूँ छत पे। और जो मुझे ऑनलाइन कंटेंट पढ़ना होता है लैपटॉप से, जो मुझे काम होता है, वो मैं 7 से 11 में करता हूँ। क्योंकि दिन में अगर वो ये काम मैं सुबह भी कर सकता था, लेकिन सुबह में थोड़ी लाइट ज़्यादा हो जाती है, तो छत पे बैठे हो आप, लाइट भी है, तो रिफ्लेक्शन आप प्रॉपरली आप देख नहीं पाओगे लैपटॉप पर। तो लैपटॉप का इस्तेमाल मैं रात में करता हूँ 7 से 11 में। तो जो भी मुझे ऑनलाइन कॉन्टेंट पढ़ना होता है, जो भी मुझे ऑनलाइन कुछ भी काम होता है, वो सब मैं करता हूँ 7 से 11। दोस्तों ये एक ओवरऑल मेरी पढ़ाई की रूटीन मैंने बना ली। शुरू में 1-2 दिन मुझे बहुत दिक्कत था, बहुत डिप्रेस था मैं कि यार अगर मैं रूम पे नहीं जा पाऊंगा तो पढ़ कैसे पाऊंगा, लेकिन 1-2 दिन की दिक्कत हुई, उसके बाद से अब मेरा इतना अच्छा फ्लो बन गया है, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि शायद मैं रूम से ज़्यादा यही पढ़ रहा हूँ। क्योंकि अब क्या है ना कि वहाँ पे रूम पे था तो वहाँ मैं लगता था कि मैं रिलैक्स था, कि मुझे पूरा दिन मेरा है, मैं आराम से पढ़ूंगा। अब मेरे पे ऑब्लिगेशन है कि नहीं, अभी ये 3 घंटे मिले हैं, मुझे जो करना है अच्छे से फोकस होकर अभी पढ़ना है, एक ऑब्लिगेशन के साथ पढ़ रहा हूँ, तो शायद मुझे लग रहा है मेरी प्रोडक्टिविटी और ज़्यादा बढ़ गई है। वहाँ से मैं कम पढ़ रहा हूँ बट वहाँ से ज़्यादा मैं सीख पा रहा हूँ कम पढ़ के ही यहाँ पे। तो एक लॉकडाउन से मैं मुझे एक और चीज़ सीखने को मिल गई, और शायद अब मुझे लोगों के बीच बैठ के पढ़ने में, भीड़ में पढ़ने में, डिस्टर्बेंस में पढ़ने में अब दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मैं इसमें अब यूज्ड हो चुका हूँ। मतलब 5-7 दिन से तो मैं कर रहा हूँ, और इसको आप भी ज़रूर फॉलो करना। लॉकडाउन की वजह से सबसे अच्छी बात यह है कि नॉइज़ वगैरह बहुत कम है, घर में हूँ फिर भी जो बाहर से जो गाड़ियों की, मेरे रोड के बगल में मेरा घर है, तो जो गाड़ियों की आवाज़ आती थी, लोगों के रोड पर ही जो हल्ला वगैरह करने की आवाज़ आती थी, वो बिल्कुल नहीं आती है, बहुत रिलैक्स माहौल है, बिल्कुल डिस्टर्बेंस लेस। ऊपर से मार्केट जाने का अक्सर काम पड़ता था कि बाजार चले जाओ, ये ले आओ, वो लाओ, ये ले आओ, वो भी बिल्कुल बंद है, तो बिल्कुल परफेक्ट सिनेरियो है पढ़ाई का। ऊपर से एक बात यहाँ पे और मैट करूँगा, मैं फिजिकल फिटनेस पे बहुत ध्यान दे रहा हूँ अपनी, और आपने नोटिस किया होगा अगर आप मेरी वीडियोस रेगुलर देख रहे हो, तो पिछले 3-4 वीडियोस से मेरी जो फेस आपको दिख रही होगी काफ़ी चेंज दिख रही होगी, जो बॉडी मुझे दिख रहा होगा, मेरा दिख रहा होगा, काफ़ी चेंज दिख रहा होगा। रीज़न कि मैंने 16 से 18 केजी मैंने ऑलमोस्ट लूज़ किया, 18 से 20 केजी मैंने लूज़ किया था अपना, अब वापस मैं कुछ केजी मैंने पुट ऑन किए हैं, 85 के आसपास हूँ अराउंड। तो मेरा एक फिजिकल फिटनेस, मेरा अब एक लत लग चुका है। तो मैं क्या करता हूँ, जो मेरी फिजिकल फिटनेस पहले होती थी, तो मैं रनिंग करता था रोड पर, क्योंकि और कहीं जगह पर जगह है नहीं, रोड पर दौड़ता था मैं, और वहीं पर मैं कहीं पर के अपना जो वार्म एक्सरसाइज वगैरह हो गया वो कर लिया, वापस आ गया। अब क्या है, अब रोड पे जाना पॉसिबल नहीं है, तो अब क्या मैं करता हूँ, अब मैं जाता हूँ जंगल में। पीछे आप जो देख रहे हो ये जंगल शुरू हो जाता है हम लोग के घर के पीछे से ही, ठीक है, थोड़ा सा रेयर एरिया है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे दौड़ने का नहीं है, लेकिन जो मुझे दौड़ना होता है अब मैं इधर ही जाके अपना दौड़ भाग करता हूँ, वो भी मेरा छूटा नहीं, मतलब ठीक है। तो वहाँ और पेड़ वगैरह के बीच में दौड़ने में एक अलग ही फीलिंग है और मज़ा आता है दौड़ने में, तो ये भी चीज़ मैं फॉलो कर रहा हूँ। तो अल्टीमेटली मैं यही कहना चाहूँगा कि इस लॉकडाउन की वजह से मेरी पढ़ाई पे, मेरे काम पे कोई खास फर्क नहीं पड़ा है। लॉकडाउन चाहे पता नहीं बहुत लोग कह रहे हैं कि बहुत एक्सटेंड होगा 1 महीने 2 महीने, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब मैं सेट हो चुका हूँ, बहुत मैंने अपना स्ट्रॉन्ग रूटीन बना लिया है बिल्कुल। और अब ये लॉकडाउन चाहे जितने दिन भी चले, मेरी पढ़ाई चलती रहेगी। तो और इससे प्लीज़ आप लोग भी रिलेट करिए, कंडीशंस के हिसाब से आप काम पे कोई असर नहीं पड़ना चाहिए, आपका जो काम है वो हर हालत में चलना चाहिए, ठीक है। और मैं ये लास्ट में कहना चाहूँगा दोस्तों कि अगर आप किसी चीज़ को, वही है कि बिल्कुल अगर आप इतने ठान लिया है ना कोई चीज़ करने का, तो आप कर ही लोगे, ये बिल्कुल सच बात है। आपको मैथ्स बिल्कुल नहीं आता और ना ही आपके पास मैथ्स के एजुकेटर है, फिर भी आप मैथ्स सीख लोगे। इंग्लिश का ABCD आपने 7th क्लास में जाके सीखा, फिर भी आप इंग्लिश में 180 out of 200 स्कोर कर सकते हो गारंटी के साथ। तो ये मैंने ऑब्जर्व किया अपने लाइफ से, पिछले 5-6 सालों का जो मेरा पिछला पीरियड रहा है, मैंने देखा है कि
जो भी मैंने सोच लिया ना, जिसपे मैंने बिल्कुल अडिक था, मैं जो वाकई बहुत टफ था, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं ये मैं कर ही लूँगा, वो मैंने कर लिया। और वह चीज़ जो बहुत आसान थी, लेकिन मैं उससे बहुत ज़्यादा दृढ़ नहीं था, बहुत ज़्यादा मैंने फर्म नहीं था उस पर, वो मैंने नहीं कर पाया। तो इससे आपको एक सीख लेनी चाहिए कि जो भी आपका टारगेट है उसके लिए आपका डेडिकेशन 100% नहीं 110% होना चाहिए, वो चीज़ आपको मिलेगी। मिलेंगे अगले वीडियो में, लेकिन जाने से पहले मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा एक वीडियो ये बना है, बहुत इंस्पायरिंग वीडियो हो सकता है ये। तो जाने से पहले एक प्यारा सा एक गाना मैं गुनगुनाना चाहूँगा आपके लिए। ऐसी तो मेरी तकदीर ना थी, तुम सा जो कोई महबूब मिले, दिल आज खुशी से पागल है, दिल आज खुशी से पागल है, ऐ जान वफा तुम खूब मिले, ऐ जान वफा तुम खूब मिले, दिल क्यों ना बने पागल, क्या तुमने अदा पाई, ये देख के दिल झूमा, दी प्यार ने अंगड़ाई, दीवाना हुआ बादल। नमस्कार।